ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन लेट लेट स्टार्ट अवर क्लास सो स्टूडेंट्स वी हैव गॉन थ्रू सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली जो भी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं ठीक है आई बिलीव कि उसमें कुछ भी नहीं छूटा है सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर में कैसे बनता है क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट्स वो यूज़ करता है एंड अलोंग विथ सम एग्जाम्पल्स विच वेर गिवन टू अस तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की देख चुके हैं नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट द अदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर ऑल राइट अब ये डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में क्या अलग होता है तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल था और ये क्या है ये टू डायमेंशनल है ठीक है ये जो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है दिस इज टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर नाउ व्हाट दिस टू डायमेंशनल डेटा बेस तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर सॉरी तो ये टू डायमेंशनल है मतलब यहां पर क्या होता है पता है आपको कुछ इस तरीके का डेटा स्टोर किया जाता है ठीक है मतलब ऐसा स्प्रेडशीट देखिए ना हमने एम एस में जो स्प्रेडशीट होती है तो वैसे स्प्रेडशीट के फॉर्म में या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेब्यूलर है ना ऐसे टेब्यूलर फॉर्म में डेटा एंटर किया जाता है इस डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अब कैसे एंटर किया जाता है क्या होता है ये सारी चीजें अब हमको देखनी पड़ेंगी तो पहले तो लेटेस्ट सी कि ये होता क्या है सीरीज डेटा टेबल सॉरी यार डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है तो देखो अ डेटा फ्रेम इज अनदर पांडाज स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा इन टू डायमेंशनल वे है ना द फर्स्ट वन दैट वी सॉ व सीरीज डेटा स्ट्रक्चर विच वॉज कंसिस्टिंग ऑफ अ वन डायमेंशनल वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा बट दिस इज द टू डायमेंशनल वे ऑफ स्टोरिंग द डेटा इट इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल लेबल्ड एरे विच इज एक्चुअली एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स ठीक है यहाँ पर क्या होता है मैं इसको जो लिखा हुआ है उसको समझा देता हूँ ये होते हैं हमारे कॉल सॉरी जिसको मैं उससे ही लिखता हूं अरे यार अंडू होता है क्या नहीं, देखो तो यहां पर ये अगर एक डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर है तो मैं अगर बोलूँ, अगर मैं इन की बात करूं ये जो ऊपर है ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स ठीक है और यहां पर जो ये चीजें हैं इनको हम क्या बोलेंगे तो इनको हम बोलेंगे रोज ठीक ये चीज सबसे पहली बात जो हमको पता चली कि कॉलम्स कहां है और रोज कहां है तो यहां पर अगर मैं किसी इंडिविजुअल कॉलम की बात करूं तो इस इंडिविजुअल कॉलम में किसी भी एक डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर की जा सकती है मतलब हो सकता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा होल्ड करा हो सकता है यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप का डेटा होल्ड किया हो सकता है यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप हो हो सकता है यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप हो है ना तो अलग अलग टाइप का डेटा इस इंडिविजुअल कॉलम में स्टोर किया जाता है सेम फॉर दिस कॉलम लास्ट कॉलम में भी क्या हो सकता है या तो स्ट्रिंग डेटा हो या तो न्यूमेरिक डेटा हो या तो फ्लोट डेटा हो या तो इंटीजर डेटा हो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ईच कॉलम होता है हर एक कॉलम में किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है बी लाइक न्यूमेरिक स्ट्रिंग फ्लोटिंग बुलियन वट एवर इट मे बी बट एक पर्टिकुलर अगर एक आ, आपका टेबल है तो उस कॉलम में अलग अलग हो सकती है इसमें स्ट्रिंग हो सकती है इसमें न्यूमेरिक हो सकती है इसमें बुलियन हो सकती है नो प्रॉब्लम विथ इट बट अगर ये एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है तो यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रिंग ही होना चाहिए यहाँ पर सारे के सारे न्यूमेरिक्स ही होना चाहिए यहाँ पर सारे के सारे बुलियन ही होना चाहिए ठीक है तो ये बस एक कंडीशन होती है कि इसमें सारी स्ट्रिंग आएगी इसमें न्यूमेरिक इसमें बुलियन बाकी ये चेंज हो, हो सकता है यहाँ पर स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ पे बुलियन हो सकता है यहाँ पे नंबर हो सकता है कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है बट एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की तो उस एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम टाइप का डेटा होना चाहिए ये बस एक इसकी कंडीशन होती है तो पहले तो हम देखते हैं चलो कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज हम सिर्फ बेसिक ही देखेंगे कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है नॉट मोर देन दैट उससे ज़्यादा पढ़ने की आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली क्लास है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर पर तो इसको ज़्यादा डिटेल में अभी हम समझेंगे नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर इन्होंने ये आपको एक डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनाकर बताया हुआ है आप देख सकते हो इट इज़ होल्डिंग द वैल्यूज इन टेब्यूलर फॉर्म ठीक है यहाँ पर ये वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में होल्ड करके रखा हुआ है अगर मैं आपसे बोलूँ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर तो आप लोग काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये वन टू थ्री फोर फाइव मतलब कितने का ये वैल्यूज़ कितने टेबुलर वैल्यूज़ की है फाइव इंटू फाइव तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पर कितनी होंगी तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी फाइव इंटू फाइव विच इज़ ट्वेंटी फाइव तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज कितनी है ट्वेंटी फाइव वैल्यूज है तो ऐसे हम काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में कितनी है तो एन बाय एन एम बाय एन कर सकते हैं एम एन टू एन करके हम पता कर सकते हैं अब यहाँ पर और भी टर्मिनोलॉजीज कुछ हमें देखनी होती हैं अब उसको पहले हम समझते हैं मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि रोज होती है और होते हैं कॉलम्स एक चीज़ और जोड़ लो एक चीज़ और दिमाग में बिठा के रख लो रोज इज इक्वल्स टू जीरो कॉलम्स इज इक्वल्स टू वन ये बस ध्यान रखना रोज़ छोटा है तो उसकी वैल्यू भी छोटी है जीरो कॉलम्स बड़ा है नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा ना तो इसकी वैल्यू भी है बड़ी तो वन तो रोज़ होता है ज़ीरो और कॉलम्स होता है वन ये हमें काम देने वाला है पूरे डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में तो यू शुड रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ रोज इज़ ज़ीरो एंड द वैल्यू ऑफ कॉलम्स इज़ वन छोटी सी चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी रोज़ मतलब ज़ीरो होता है और कॉलम्स मतलब वन होता है ठीक है अब यहाँ पर जब हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता था ये कुछ वैल्यू होती थी और यहाँ पर उसका इंडेक्स होता था ना हो इफ आई टॉक अबाउट डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर तो ये वाला इंडेक्स तो होता ही होता है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में बट अगेन उसके साथ साथ यहाँ पर भी ऊपर जो है ना यहाँ ऊपर भी अब आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा मीन्स नाउ वी आर हैविंग टोटल टू इंडाइसेस ठीक है अब हमारे पास टोटल कितने इंडेक्स हो गए तो अब हमारे पास होंगे टोटल टू नंबर ऑफ इंडेक्स ठीक अब इनको कैसे पहचानोगे कौन सा इंडेक्स कौन सा है तो ये दो इंडेक्सेस के नाम क्या होते हैं वो देखते हैं तो दोनों इंडेक्सेस के नाम होते हैं पहला जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं रो इंडेक्स और जो दूसरा इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं कॉलम इंडेक्स ये आप ध्यान रखना रो इंडेक्स मतलब ये वाला कॉलम इंडेक्स मतलब ये वाला कॉलम इंडेक्स की वैल्यू होगी वन रो इंडेक्स की वैल्यू होगी जीरो ये कहाँ पर काम आएगा मैं अभी आपको आगे बताता हूँ ठीक है तो अभी तक हमने ये देखा चलो पूरा अभी तक जितना देखा उसको समझते हैं डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है टेबुलर फॉर्म में डेटा एंटर होता है रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा एंटर होता है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाते हैं दो टाइप के इंडेक्सेस होते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में सिंगल इंडेक्स होता था अब यहाँ पर कैसे होते हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स के इंडेक्सेस होते हैं कौन कौन से तो एक होता है रो इंडेक्स जिसको बोलते हैं और एक होता है कॉलम इंडेक्स जिसको बोलते हैं वन रो इंडेक्स को बोलते हैं जीरो और कॉलम इंडेक्स को बोलते हैं वन ठीक है चलो अब हम देखते हैं एक आर, हमें पहले से एक डेटा फ्रेम बनाकर दिया हुआ है अब हम इस डेटा फ्रेम से कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हमें डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में सुनने को मिलेंगी सबसे पहली टर्म सुनने को मिलेगी कॉलम नेम्स डेफिनेटली कॉलम्स का नाम होगा जो हम इंडेक्स बोल रहे हैं तो वो होंगे कॉलम नेम्स जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेल फीमेल पर्सनस रूरल अर्बन तो ये क्या है ये कॉलम के नेम्स हैं अब मैंने क्या बोला था कॉलम्स के लिए कौन सा नंबर याद रखना है वन तो जब कभी हमें किसी कॉलम वैल्यू को रेफर करना होता है तो हम लिखते हैं वहां पर एक्सेस इज इक्वल्स टू वन ठीक है अभी बस टर्म्स देखते जाओ ये कहा यूज होगा कैसे यूज होगा वो बहुत बाद की बात अभी बस पता होना चाहिए एक्सेस इज इक्वल्स टू वन अगर मैंने लिख दिया एक्सेस इज इक्वल्स टू वन तो मैं किसकी बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कॉलम इंडेक्स की ठीक है अगर मैंने बोल दिया एक्सेस इज इक्वल्स टू वन सो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम इंडेक्स सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ये वाले जो इंडेक्सेस दिख रहे हैं ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव दीज आर रो इंडेक्सेस रो इंडेक्स है तो यहां पर क्या होगा एक्स इज इक्वल्स टू होगा जीरो तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे सो दिस विल बी अवर रो इंडेक्स ठीक है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो विल ऑलवेज बी रो इंडेक्स एक्स इज इक्वल्स टू वन विल ऑलवेज बी कॉलम इंडेक्स क्योंकि अब हमारे पास दो इंडेक्स है तो दोनों को अलग अलग हमको रेफरेंस देना पड़ेगा है ना नाम दोनों के अलग अलग रखने पड़ेंगे तो एक को रो इंडेक्स बोलते हैं एक को कॉलम इंडेक्स बोलते हैं आप जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स भी बोल सकते हो जीरो इंडेक्स बोलोगे तो आप रोज़ की बात कर रहे हो वन इंडेक्स बोलोगे तो आप कॉलम्स की बात कर रहे हो आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर टू यू हमने देख लिया रो कॉलम के नाम और रोज़ के नाम उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म जो हमें यूज करनी होती है वो होती है डेटा वैल्यूज डेटा वैल्यूज मतलब ये सारी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं ये सारी की सारी इंडिविजुअल वैल्यूज ये क्या है ये डेटा वैल्यूज हैं ठीक उसके बाद जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं मिसिंग वैल्यूज लिखी जाती हैं कैसे तो मिसिंग वैल्यूज लिखी जाती हैं नैन से तो ये देख सकते हो आप ये क्या है हमारी ये है हमारी मिसिंग वैल्यूज तो मिसिंग वैल्यूज को नैन से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक अब आई बिलीव कि हमको सारी टर्म्स पता चल चुकी हैं एक बार सारी टर्म्स को लिखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें सारी टर्म्स पता है या नहीं ओके सो इफ आई टॉक अबाउट कॉलम इंडेक्स तो कॉलम इंडेक्स के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है एक्स इज इक्वल्स टू वन अगर मैं बात करूं रो इंडेक्स तो मुझे लिखना पड़ता है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो नैन वैल्यूज़ वैल्यूज़ कब लिखा जाता है मिसिंग के लिए और डेटा वैल्यूज मतलब क्या जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज होती है उसके लिए यूज किया जाता है डेटा वैल्यूज तो ये सारी टर्म्स हमें क्लियर होना चाहिए तभी हम डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं आज हम एक डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे बहुत बेसिक वाला कि कैसे बनाया जाता है आप लोगों को इतनी टर्म्स क्लियर है क्या पहले तो ये बताओ yes, है ना Best थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आई बिलीव की चीज़ें समझ में आने लगेंगी अभी तो हम उसको समझ ही रहे हैं इसलिए हो सकता है कुछ नया लग रहा हो बट स्टिल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी अब जब हम इंडेक्सेस प्रोवाइड करते हैं ना या कॉलम्स में जब वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं ना तो वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है आप जो डेटा टाइप यूज़ करना चाहो वो डेटा वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो इवन यहाँ पर जो होता है ये जो होता है हमारा डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर वो वैल्यू म्यूटेबल भी होता है और साइज म्यूटेबल भी होता है ये लिखा हुआ है वैल्यू म्यूटेबल और ये लिखा हुआ है साइज म्यूटेबल मतलब हम किसी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर भी वैल्यू म्यूटेबल था वहाँ पर भी किसी वैल्यू को चेंज करना हो तो कर सकते थे बट वो साइज इम्यूटेबल था अगर मैं बोलूँ कि मेरे सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर में पाँच वैल्यूज़ हैं मुझे छठवीं वैल्यू और ऐड करनी है तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो आ, म्यूटेबल नहीं है वो वैल्यू इम्यूटेबल है बट अगर मैं डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, मेरे पास चार वैल्यूज़ हैं मुझे एक नया डेटा फ्रेम ऐड नया डेटा ऐड करना है तो मैं कर सकता हूं इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ साइज़ म्यूटेबल एज वेल तो ये डेटा म्यूट वैल्यू म्यूटेबल एज वेल एज साइज म्यूटेबल ये दोनों होता है ठीक है तो बेसिक चीजें जितनी हैं वो सारी चीजें हमको पता चल गई डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं और इसको क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले कैसे करते हैं सो दिस इज वन सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो करना पड़ेगा इंपोर्ट क्योंकि ये पांडास का पार्ट है तो हमको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट पांडास एज पी कहीं ना कहीं डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर में नंपाई भी यूज होता है तो हमको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट numpy एज एन तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो चीजों को इम्पोर्ट करना बहुत जरूरी है फर्स्ट कीप दिस थिंग इन माइंड किसी भी आ, डेटा फ्रेम को बनाने से पहले इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी इम्पोर्ट नम्पाई एज एन पी ये लिखना बहुत जरूरी होता है तो हम लोग हमेशा ये उसमें लिखेंगे आगे बढ़ते हैं अब क्रिएट करना है अगर तो क्रिएट करने के लिए हम जब सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे पी डी डॉट सीरीज फंक्शन है ना पी डी डॉट सीरीज फंक्शन में जो एस होता था वो एस होता था बड़ा तो ये मैंने उसको अलग कलर से कर दिया सिमिलरली अगर मैं डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर हम लिखते हैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन वहां पर हम पी डी डॉट सीरीज फंक्शन लिखते थे यहाँ पे हम लिखते हैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन यहाँ पर क्या ध्यान रखना ये जो d है ये बड़ा है और जो ये f है ये बड़ा है तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन में d और f बड़ा होता है और यहाँ पर s बड़ा होता है ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है अगर आप डी आर एफ में से किसी को भी स्मॉल लेटर में लिख दोगे तो एरर आ जाएगी इसीलिए डी और एफ कैपिटल रहता है और यहाँ पर सीरीज में एस कैपिटल रहता है तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए तो हम पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन लिखेंगे अब पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन तो लिखेंगे चलो ठीक है ये पता चल गया डेटा फ्रेम कैसे बनेगा तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट पाटास एस पी डी इम्पोर्ट नम्पाइस एन पी और पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन लगाने से हमारा डेटा फ्रेम बनेगा आगे बढ़ते हैं अब जैसा हमने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पर कैसे कैसे बन सकता था सीरीज स्ट्रक्चर तो वहाँ पर सीक्वेंस वैल्यूज़ का यूज़ करके हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते थे लिस्ट वैल्यूज़ का यूज़ करके डेटा फ्रेम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते थे डिक्शनरी का यूज़ करके बना सकते थे स्केलर वैल्यूज़ का यूज़ करके बना सकते थे और एन डी का यूज़ करके भी हम सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर बना सकते थे सिमिलरली हम लोग टू डायमेंशनल एरे मतलब डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं तो हम डिक्शनरी टू डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज़ करके बना सकते हैं हम एन डी एरे का यूज़ करके बना सकते हैं ये दोनों वही है जो सीरीज़ में बनाया था और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर खुद हो तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है ये कुछ नया है इसको हम देखेंगे और किसी दूसरे डेटा फ्रेम का यूज़ करके भी नया डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है तो दो चीज़ें तो वही हैं जो सीरीज जिनसे बनी डिक्शनरी और एन आर तो यहाँ पर डिक्शनरी और एन आर का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है वो कैसे बनाया जा सकता है वो बहुत बात की बात अभी बस हम देख रहे हैं कि कैसे बनाया जा सकता है सो देर आर फोर थिंग्स देट कैन बी यूज टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम आज हम इनमें से एक देखने वाले हैं जो है टू डायमेंशनल डिक्शनरीज डिक्शनरीज का यूज़ करके कैसे डेटा डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है हम वो देखने वाले हैं अब डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर सीरीज के फॉर्म में बनाना है डिक्शनरी का यूज़ करके बनाना है सबसे पहले तो पता करता है डिक्शनरी क्या होता है तो डिक्शनरी होता है अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स ठीक है डिक्शनरी होता है अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स मतलब इसमें की और वैल्यू दो चीजें होती है जिसको कोलन से सेपरेट किया जाता है ये हमको पता है चलिए तो देखते हैं डिक्शनरी बनाकर कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं बस ये लास्ट है इतना ही देखेंगे आज क्योंकि हमको बस यही पता करना है कैसे बना सकते हैं ज्यादा

और एट लास्ट करली ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज किया हुआ है ठीक है तो ये हुआ हमारा डिक्शनरी का बिगिनिंग और एंडिंग डिक्शनरी क्या होती है की वैल्यू का पेयर होता है तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट एक की है स्टूडेंट इज अ की ये कैरेक्टर थे स्ट्रिंग थी तो देखो कोट्स में लिखा हुआ है और इसकी वैल्यूज क्या है तो स्टूडेंट की वैल्यूज है रुचिका नेहा मार्क गुरज्योद और जमाल फिर लगाया कॉमा लास्ट में और अगला की क्या दिया मार्क्स मार्क्स की क्या क्या वैल्यूज़ है तो 79.5, 83.75, 74, 88.5 और 89 नंबर थे तो कोर्ट्स में नहीं लिखा फिर लगाया कॉमा फिर तीसरा की क्या दिया तो तीसरा की दिया स्पोर्ट स्पोर्ट में क्या क्या वैल्यूज़ दी तो क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल एथलेटिक्स और कबड्डी स्ट्रिंग थी तो कोर्ट्स में लिखा आप एक चीज़ नोट डाउन करो यहाँ ऊपर कितने एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव मतलब सब जगह हमने पांच पांच वैल्यूज ही प्रोवाइड करी हैं अगर आप कहीं पर पांच प्रोवाइड कर दोगे कहीं पर छह प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा इट विल शो यू एन एरर सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वैल्यूज शुड बी सेम मतलब नंबर नंबर ऑफ वैल्यूज़ शुड बी सेम हर जगह हमने पांच पांच वैल्यूज़ लेकर रखी हैं चलो आगे बढ़ते हैं ये तो हमने कर दिया हमने डिक्शनरी बना ली डिक्शनरी बनाने में कोई दिक्कत बड़ी सी दिख रही है पर है छोटी स्टूडेंट्स मार्क्स और स्पोर्ट ये तीन हमारी कीज़ हैं और स्टूडेंट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं मार्क्स के अंदर ये वैल्यूज़ हैं और स्पोर्ट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं तो जो ग्रे कलर से मार्क किया हुआ है वो हमारी वैल्यूज़ हैं और जो रेड कलर से पिंक कलर से ऑरेंज कलर से मार्क किया हुआ है जो भी कलर बोलो उसको तो वो है हमारी कीज़ अब मैंने जैसे ही इस डिक्ट वन को प्रिंट किया तो आप देख सकते हो ये डिक्ट वन प्रिंट होकर मुझे दिख गई ये आ गई मेरी वन अब ये जो डिक्ट वन प्रिंट हुई है इसमें एक चीज देखो आपने सबसे पहले क्या पास किया था आपने सबसे पहले पास किया था स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले क्या आया मार्क्स फिर आपने पास किया था मार्क्स तो यहां पर सेकंड पे क्या आया स्पोर्ट फिर आपने पास किया था स्पोर्ट तो यहां पर लास्ट में क्या आया स्टूडेंट्स क्यों आया क्योंकि डिक्शनरी की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि डिक्शनरी इज़ अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स बट कैसा तो अनऑर्डर्ड सेट अनऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या है इसका ऑर्डर कैसा होता है तो रैंडम ऑर्डर होता है ठीक है इसका रैंडम ऑर्डर होता है मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं होता आप पहले स्टूडेंट दो तो ज़रूरी नहीं है कि पहले स्टूडेंट ही प्रिंट होकर आए देख रहे हो यहाँ पर मार्क्स प्रिंट होकर आ गया क्योंकि ये अनऑर्डर्ड सेट है इसीलिए उसका ऑर्डर रैंडम हो सकता है बट वैल्यूज़ वहीं आएंगी एवरीथिंग विल रिमेन द सेम ओनली द ऑर्डर विल गेट चेंज्ड तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरी डिक्शनरी प्रिंट होकर आई अभी हमारा डेटा फ्रेम नहीं बना है अभी हमारी सिर्फ डिक्शनरी बनी है कैसे बनी है डिक्शनरी तो हमने क्या किया डिक्ट वन लिया स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट तीन कीज ली और उनके अंदर पांच पाँच, पाँच वैल्यूज पास कर दी अब मुझे इस डिक्ट वन को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ भी नाम ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ डी एफ वन और इस डी एफ वन में स्टोर करता हूँ हमने क्या सोचा था क्या लिखते हैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन तो मैं लिख देता हूँ डी और एफ कैपिटल है पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन ये मैंने लिख दिया पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन अब किसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हमें कन्वर्ट करना है डिक्ट वन को तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डिक्ट वन लिख दिया ये जो आपका ब्रैकेट है डेटा फ्रेम यहाँ पर मैंने लिख दिया डिक्ट वन तो क्या होगा अब पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन डिक्ट वन पे लगाया हुआ है तो अब आपकी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी वो डिक्शनरी और आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरी डिक्शनरी बन गई डेटा फ्रेम बन गया डिक्शनरी से आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर इज़ नॉट द सेम इट इज़ ऑलरेडी अनऑर्डर्ड मार्क्स स्पोर्ट और स्टूडेंट्स रैंडम ऑर्डर में आया है यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम का इंडेक्स तो ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने दिया था स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट तो वो तो आ गया बट आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो इंडेक्स है ये मैंने नहीं दिया जीरो वन टू थ्री फोर तो एक चीज़ ध्यान रखना जब हम इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं रो इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जो भी डिफॉल्ट रहता है और हम ऑलरेडी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर से भी जानते हैं कि ऑटोमेटिक जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा होता है आ, इंडेक्स जो होता है वो ऑटोमेटिक वाला कौन सा होता है तो जो ऑटोमेटिक इंडेक्स आता है वो होता है जीरो वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स आया है ये ऑटोमेटिक आया है बट मैं बोलूं कि मुझे इंडेक्स मेरे मन से चाहिए मैं चाहता हूं कोई इंडेक्स लिखना तो अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको यही लिखना पड़ेगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम अभी आपने सिर्फ इतना लिखा था जितना मैंने स्क्रीन पर मार्क किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया था तो क्या प्रिंट हुआ ये प्रिंट हुआ जिसमें इंडेक्स की वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री फोर आई अब व्हाट आई विल डू आई विल पुट अ कॉमा और यहाँ पर एक इंडेक्स एट्रीब्यूट लगा दूंगा और इंडेक्स एट्रीब्यूट में वैल्यू डाल दूंगा वन टू थ्री फोर फाइव न्यूमेरिक में था इसलिए मैंने कोटेशन में लिखा जैसे ही मैंने वन टू थ्री फोर फाइव लिख दिया तो अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं इस डी टू एफ टू डी टी एफ टू को प्रिंट करूंगा तो अब यहाँ पर जो इंडेक्स आया है ये वही इंडेक्स आया है जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था तो हम इंडेक्सेस भी चेंज कर सकते हैं उसके लिए क्या करना होता है तो उसके लिए ये करना होता है कॉमा लगाने के बाद इंडेक्स इज इक्वल्स टू और वैल्यू लिखनी होती है बट यहाँ पर देखो पांच इंडेक्स दिए थे क्यों दिए थे क्योंकि यहाँ पर पांच नंबर ऑफ वैल्यूज थी अगर मैं छः इंडेक्स दे दूँ तो वहाँ पर वैल्यूज़ तो पाँच ही हैं आप इंडेक्स दे रहे हो छः तो क्या प्रिंट होगा तो नहीं होगा वहाँ पर आएगी एरर और क्या एरर आएगी तो देखो यहाँ पर एरर लिखी हुई है नीचे वाली लाइन पढ़ना लास्ट लाइन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना उसको पढ़ना वैल्यू एरर शेप ऑफ पास्ट वैल्यूज़ इज़ थ्री कॉमा फाइव मतलब आपके डेटा फ्रेम का शेप क्या था थ्री कॉमा फाइव मतलब तीन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड फाइव नंबर ऑफ रोज इंडाइसिस इंप्लाए थ्री कामा सिक्स और आपने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी है आपने वैल्यू प्रोवाइड करी है थ्री कामा सिक्स कैसे प्रोवाइड करी है आपने थ्री कॉमा सिक्स थ्री कामा सिक्स तो आपने ऐसे प्रोवाइड करी है यहाँ पर देखो ये हो गए पाँच ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है ना तो ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पर थ्री कामा सिक्स हो गया और थ्री कामा सिक्स हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा टेबल ही थ्री कामा फाइव का है सो दिस विल गिव अस एन एरर और एरर के आगे क्या लिखा हुआ है तो एरर के आगे लिखा हुआ है वैल्यू uh, एरर क्या लिखा है वैल्यू एरर ठीक है तो इस तरीके से एरर भी आ सकती है देखो तो हमने आज क्या देखा कि डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर बनता कैसे ये चीजें हमने आज देखी मैं अभी आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल uh, शेयर कर रहा हूँ आप लोग वो एग्जाम्पल को देखना और सॉल्व करके देखना कि क्या वो एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं ठीक है क्योंकि वो एग्जाम्पल डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है कि डेटा फ्रेम डेटास्ट्रक्चर बनता कैसे आ, क्या आज की क्लास क्लियर है थोड़ा सा हम डिटेल में चले गए डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बट इज इट क्लियर और यू हैव समाउट्सर देखो एक काम करेंगे अपन क्लियर है सो वेल एंड गुड बट अपन एक काम करते हैं आप लोग एक बार पढ़ना और फिर पूछना अगर कुछ डाउट फिर भी रह जाता है कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो नहीं समझ में आई हो तो आप फिर से पूछ सकते हो क्योंकि डेटा फ्रेम अभी जैसे हमने सीरीज को समझा ना वैसे ही अब डेटा फ्रेम को भी हमको वर्क करना है डेटा फ्रेम के भी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो अभी तो मैं एक एग्जाम्पल होमवर्क के लिए आपको दे ही रहा हूँ तो उसको तो आप लोग देख ही लेना और आप लोगों को कुछ समर वेकेशन का भी कुछ होमवर्क देना है तो वो भी मेरे पास रेडी है मैं आज ही आपको उसका पी भी शेयर कर दूँगा और बता दूँगा क्या क्या आपको करना है उसमें थोड़ा सा ही है लिखने का टास्क है कॉपीज़ में लिखने के लिए तो वो भी आप जैसा आपको टाइम मिलेगा इस पूरे मंथ में आप वैसे वैसे उसको लिखते रहना और राइट right. तो स्टूडेंट्स दिस इज़ इट फॉर टू क्लास थैंक यू सो मच मैं ये रिकॉर्डिंग तो अपलोड करूँगा ही करूँगा और आपको अभी भी हमारे पास फाइव मिनट्स हैं मैं आप लोगों को ग्रुप पर वो एग्ज़ाम्पल भेज रहा हूँ आप उस एग्जाम्पल को अभी ही सॉल्व करके देखो और अभी ही पूछ लो अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो और राइट सो थैंक यू स्टूडेंट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास